उत्तराखंड बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा? बीजेपी लोकसभा चुनावों में किस किस नेता को मैदान में खड़ा करेगी? चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक समीकरण क्या है, जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण क्या है? क्या पार्टी कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को या महत्वपूर्ण नेताओं को कुछ नई जिम्मेदारी देने जा रही है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मैं आज आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। और इसका कारण यह है कि बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में से एक बीएल संतोष उत्तराखंड के दौरे पर हैं, लगातार महत्वपूर्ण बैठकें बीएल संतोष कर रहे हैं। बैठकों में क्या हुआ, क्या क्या समीकरण है और आगे क्या क्या करने की योजना बीजेपी कर रही है, सारी बातें तफसील से आपके सामने मैं करूंगा। लेकिन मेरा आग्रह है, खबर पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। वैसे तो चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी की हमेशा ही बैठकें होती हैं, बैठकें हमेशा ही महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन अगर बैठक में बीएल संतोष खुद आए तो अंदाजा लगता है कि यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। दिन भर मैराथन बैठकों का दौर रहा, बीजेपी के कई बड़े नेता संघ की शरण में पहुंचे। बीजेपी और संघ की महत्वपूर्ण बैठक देहरादून में होती रही। एक दौर की नहीं बल्कि कई दौर की बैठकें हुई, कई नेताओं से सलाह मशविरा लिया गया, कई नेताओं को टिप्स दिए गए और कई नेताओं से कई दूसरे नेताओं के बारे में फीडबैक लिया गया। जाहिर सी बात है, चुनावी मौसम है तो फीडबैक बेहद महत्वपूर्ण है। चुनावी मौसम है इसलिए रणनीति बनाना भी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यह है कि चुनाव कौन लड़ेगा और भविष्य में बीजेपी उत्तराखंड की कमान कौन संभालेगा, क्योंकि महेंद्र प्रसाद भट्ट को बीजेपी ने राज्यसभा में भेज दिया है। तो क्या महेंद्र प्रसाद भट्ट का कार्यकाल प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से भी बरकरार रहेगा या उनके स्थान पर किसी दूसरे नेता की ताजपोशी होगी? इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब तलाशने के लिए महत्वपूर्ण बैठक देहरादून में हो रही है और बैठकों का निर्देश दिल्ली से आया है। बीएल संतोष की संघ कार्यालय में लंबी बैठकें हुई इसी मुद्दे पर कि अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन हो सकता है, किस किस नेता के नाम चल रहे हैं। बीएल संतोष साहब की एक महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ भी है। जब धामी साहब के साथ बीएल संतोष की बैठक होनी है उसमें प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट, महामंत्री संगठन अजय और तीनों महामंत्रियों के अलावा बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद हैं। इन बैठकों का निचोड़ इतना भर है कि नए प्रदेश अध्यक्ष की तैयारी हो सकती है। इसके अलावा सरकार अपने कुछ और महत्वपूर्ण नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से नवाज सकती है। पहले मैं उन तीन नामों की चर्चा करूंगा जो खास तौर पे चर्चा का केंद्र हैं। ऐसी खबर है कि नया अध्यक्ष भी बीजेपी तलाश सकती है और तीन नामों पर मंथन गहराया हुआ है। एक नाम है सुरेश भट्ट, जो मूल रूप से हल्द्वानी के रहने वाले हैं और सुरेश भट्ट को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, एक जिसको कहते हैं ना, उसको पद देकर दी गई है। जो राज्य स्तरीय मंत्री होते हैं उनको राज्य स्तरीय मंत्री बनाया गया है, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित किसी विभाग का। एक तो उनका नाम प्रदेश अध्यक्ष बनने की रेस में बना हुआ है। अगर आपको थोड़ी सी जानकारी सुरेश भट्ट के बारे में हो तो सुरेश भट्ट साहब पहले हरियाणा में संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके हैं और ऐसा बताया जाता है कि उनके महत्वपूर्ण कामों की वजह से बीजेपी सत्ता पाने में सफल रही थी। सुरेश भट्ट के अलावा आदित्य कोठारी का नाम भी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में चल रहा है। इसके अलावा विनोद चमोली का नाम भी है। विनोद चमोली
देहरादून के मेयर रह चुके हैं, दो बार विधायक बन चुके हैं, और विनोद चमोली टिहरी संसदीय सीट से लोकसभा के दावेदारों के रूप में भी जाने जाते हैं। इन तीन महत्वपूर्ण नामों पर मंथन चल रहा है। अब अगर इन तीनों नेताओं के जातिगत समीकरणों को देखें तो तीनों के तीनों ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। गढ़वाल के ब्राह्मणों में विनोद चमोली और आदित्य कोठारी का नाम आता है, और कुमाऊं के ब्राह्मणों में सुरेश भट्ट का नाम आता है। महेंद्र प्रसाद भट्ट गढ़वाल के मूल रूप से चमोली क्षेत्र के ब्राह्मण है, और अगर उनको रिप्लेस किया जाता है तो क्या गढ़वाल के किसी ब्राह्मण को जिम्मेदारी मिलेगी या कुमाऊं के किसी ब्राह्मण को जिम्मेदारी मिलेगी, ये एक सवाल है। वैसे बीजेपी ने कई चौंकाने वाले फैसले लिए हैं, इनके इतर भी कई दूसरे नामों पर हो सकता है गोपनीय रूप से मंथन हो रहा हो, और जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों से ऊपर उठकर किसी काबिल नेता को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। वैसे ये तीनों नेता भी काबिल हैं जिनके नाम चल रहे हैं, इनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है, और जो वर्तमान अध्यक्ष हैं राज्यसभा जिन्हें भेजा गया है उनकी काबिलियत पर भी कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी किसी ऐसे नेता पर भी दांव चल सकती है बीजेपी जिसका नाम अभी तक जोरदार तरीके से चर्चाओं में नहीं आया हो, और वो राजपूत वर्ग से भी हो सकता है, दलित वर्ग से भी हो सकता है। लेकिन इन तीन नामों की चर्चा चूंकि होने लगी है पार्टी के भीतर भी, इसलिए इन तीनों का जिक्र मैंने भी अपनी इस रिपोर्ट में किया है। अगर विनोद चमोली के नाम को आप थोड़ा सा ध्यान में रखें तो विनोद चमोली का नाम एक बार पहले भी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चला था, और उनकी कई महत्वपूर्ण नेताओं से मुलाकात हुई थी। बीएल संतोष से भी विनोद चमोली की मुलाकात उस समय हो गई थी, लेकिन अंतिम रूप से विनोद चमोली का नाम प्रदेश अध्यक्ष की रेस से बाहर कर दिया गया था, और एक चिट्ठी भी वायरल उस समय हुई थी जिसमें विनोद चमोली को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, इस तरीके का दावा किया गया था, लेकिन बाद में दिल्ली से ही उस चिट्ठी का खंडन कर दिया गया था और विनोद चमोली के हाथ में बाजी आते आते रह गई थी। अब क्या विनोद चमोली लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, या वर्तमान में जिस भूमिका में है उसी भूमिका में रहेंगे, या भविष्य में अगर मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है तो वहां पर एडजस्ट किए जाएंगे, ये कुछ समीकरण है जिनको तलाशने की कोशिश संगठन सरकार और संघ के भीतर हो रही है। हम सारे लोगों को एक बात का ध्यान और रखना है कि उत्तर प्रदेश में भी लंबे समय से मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएं चल रही हैं, और खबर वहां से भी ये आती है कि लोकसभा चुनाव के बाद संभवतः उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का फेरबदल हो सकता है। अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो समीकरण क्या होंगे, और अगर जीत में कुछ कमी रह जाती है तो समीकरण क्या होंगे, हो सकता है इसे ध्यान में रखते हुए रिशफलिंग जो राज्यों में होनी है उसको थोड़ा होल्ड किया हुआ है, उसे टाला गया है, और उत्तर प्रदेश में अगर कैबिनेट में परिवर्तन होगा, विस्तार होगा या फेरबदल होगा तो उत्तराखंड में भी वो फेरबदल हो सकता है, इसलिए बहुत सारे लोगों की नजरें उधर भी टिकी हुई हैं। खबर ये भी है कि कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियों से नवाजा जा सकता है। चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले कई महत्वपूर्ण नेताओं को नए पदों पर भेजा जा सकता है, राज्य स्तरीय या कैबिनेट स्तरीय जो पद होते हैं वहां पर कुछ नेताओं को एडजस्ट किया जा सकता है, और इसके लिए भी शायद मंथन संघ सरकार और मुख्यमंत्री के स्तर पर हो रहा है। लोकसभा चुनाव के विषय में ज्यादा जानकारी देहरादून की बैठक में शायद ना निकल पाए, क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड ही अंतिम रूप से नामों का ऐलान करता है, वहां पर मंथन होता है, लेकिन एक स्क्रीनिंग जरूर हो जाती है और बहुत सारे लोगों के नाम इस बैठक में भी चर्चाओं में आए जरूर हैं। इसके अलावा जो बीएल संतोष उत्तराखंड में है उनकी योजना क्या है इसको भी मैं आपको थोड़ा बताऊं। अगले 15-20 दिनों में या एक महीने में जब प्रचार प्रचंड पे पहुंचेगा तो कैसे उत्तराखंड में प्रचार को धार देनी है इसकी भी योजना बनाई जा रही है। उसमें यह भी ध्यान दिया जा रहा है कि उत्तराखंड की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, उत्तराखंड में जो सरकार ने महत्वपूर्ण काम किए हैं, निर्णय लिए हैं, उनको कैसे प्रचारित करना है, न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में, जब वहां पर प्रधानमंत्री या बीजेपी के दूसरे कद्दावर नेता जाकर सभा को संबोधित करेंगे या प्रचार अभियान को वो चलाएंगे। तो ये कुछ खास ऐसे विषय हैं जिनको लेकर
मंथन गंभीरता के साथ हो रहा है। इन सारे मंथनों की औपचारिक रूप से जानकारी बाहर नहीं आएगी, ये भी मैं आपको बता दूं। औपचारिक रूप से जानकारी तब बाहर आएगी जब कोई फैसला हो जाएगा और नाम सामने आ रहे होंगे, लेकिन अंदर क्या चल रहा है यह बताने की कोशिश मैं कर रहा हूं। अभी के लिए साथियों इतना ही, अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। लेकिन जाने से पहले मैं आग्रह जरूर करूंगा, चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए, और ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इसे अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और अपनी राय जाहिर करके हमें बताइए कि आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी या आपके पास इस रिपोर्ट से संदर्भित क्या जानकारी उपलब्ध है। नमस्कार।